गुंडा बैंक वाला मामला है, 42 ट्रांजैक्शन है वो वही वाला है या वही वाला है? हम जरा सा क्योंकि सर कर रहे थे इससे शुरू से। सर आपको मालूम नहीं है ये ऑर्डर है? मालूम है हुजूर। आप जिस जमाने के वकील हैं उस समय लोग सीधे होते थे, अभी के जो जमाने में ये गुंडा बैंक चल रहा है सीमांचल एरिया में, आपके पास 42 सेल डीड एग्जीक्यूट कराने का पैसा कहां से आया? आप क्या काम करते हैं? आप इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? ये सारी बात हमको दीजिए। क्या है रिस्पॉन्ड नंबर 10 एक रिक्वेशन फाइल किया कि प्लॉट नंबर 672 और 410 का एरिया है, 410 का 24 डिसमिल और इसका 672 का 2 एकड़ 69 डिसमिल का मेजरमेंट कर दिया जाए। ये ग्रांड सन है बशीरुद्दीन के। बशीरुद्दीन साहब मरे तो हजूर 4 लड़का और 3 लड़की को छोड़कर मरे, अपनी वीडियो को वीडियो मर गई है। हम लोग उनके लड़की से खरीदा है, हम लोग नापी के गए तो हमने कहा हम लोग पोर्शन में आप कैसे नापी करा लीजिएगा, 6 एकड़ 30 डिसमिल में 4 लड़के 3 लड़कियां, तो ये कहाँ से 2 एकड़ 69 डिसमिल? कहते हैं सीलिंग एक्ट में मिल गया। सीलिंग एक्ट में हम लोग पार्टी नहीं थे, हम पर हमारे वेंडर को कोई सीलिंग एक्ट में नोटिस नहीं थी। सीलिंग एक्ट में डिसाइड होने से कोई किसी का टाइटल खत्म नहीं होगा। तो ये बोल हम लोग अभी नेक्स्ट वीक में हमने एडवाइस जो किया मुकिल को कि एक पार्टीशन सूट फाइल कर देंगे, अब वहाँ डिसाइड होगा। इसलिए ये जो कह रहे हैं हमारा 269 दे दीजिए, कैसे होगा इनका? आप मंजूर एक नापी के लिए केस फाइल हुआ था, ये इनहेरिटेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट रैयत के नाम से सीलिंग प्रोसीडिंग चला हमारे खिलाफ, जब चला 3 भाई और 3 बहन के खिलाफ चला। जमींदार कौन थे? जमींदार कौन थे? जमींदार चारों के नाम से, 6 के नाम से है, सबका अपना अपना शेयर है, इंडिपेंडेंट है यूनिट, इंडिपेंडेंट रैयत के नाम से चला। हमने सेलिंग एक्ट फाइट किया, हमने अपना शेयर उसमें से रिटेन कर लिया। ये 57 नाम है इनका, इनके वेंडर का, इन्होंने सेलिंग एक्ट छोड़ दिया, नहीं लड़ा क्योंकि इनके मैट्रिमोनियल होम में एक केस चल रहा था, ये दोनों जगह ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इन्होंने छोड़ दिया। इनकी इनका जो जमीन था वो सेक्शन 15 में अक्वायर हो गया, अक्वायर हो गया जिस खाते से लैंड, अब ये कैसे वहां ट्रांसफर करेंगे? 15(1) इन्होंने कभी भी चैलेंज नहीं किया, ये कह रहे हैं कि हमको नोटिस नहीं था, तो आपको अगर सुन के किया तो आप उसके खिलाफ ये कीजिए। बट हमने तो ऑप्शन एक्सरसाइज किया सेक्शन 9 के तहत, ये रेजिडेंशियल हाउस है हमारा, रेजिडेंशियल पूरा होम स्टेट लैंड है ये, तो हमारा यहाँ से नापी हो गया। नापी होने के बाद अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, नापी होने के बाद इन्होंने मॉडिफिकेशन दिया फाइनल ऑर्डर के खिलाफ। मॉडिफिकेशन इसमें तो होगा नहीं, हो या तो चैलेंज होगा एलपीए में, मॉडिफिकेशन के लिए दिया है। जब हमने काउंटर दिया इसमें, वो गुंडा बैंक वाला मामला है, 42 ट्रांजैक्शन है वो वही वाला है या वही वाला है? हम जरा सा क्योंकि सर कर रहे थे इससे शुरू से। सर आपको मालूम नहीं है ये ऑर्डर है? मालूम है हुजूर, ये जो बोल रहे हैं हम, एक आदमी एक 42 ट्रांजैक्शन करता है सेल लीड का विद इन टू इयर्स। आप जिस जमाने के वकील हैं उस समय लोग सीधे होते थे, अभी के जो जमाने में ये गुंडा बैंक चल रहा है सीमांचल एरिया में, एडीजी ने रिपोर्ट दिया है और लोगों पर मुकदमा हो रहा है, लोगों पर इनकम टैक्स का रेड हो रहा है, गुंडा बैंक वालों का एसआईटी है, तो ऑर्डर है। आपने एसआईटी को अप्रोच किया? हमने अप्रोच किया, एनेक्सर सी सीरीज रखा हुआ। हाँ, क्या हुआ? एसआईटी ने क्या किया? लिख करके ईडी को भी। हाँ, उसने जो डायरेक्शन दिया था हमने पहले ही दे दिया, लास्ट डेट में हम बता नहीं पाए। हाँ, लेकिन उसका जो रिज्वाइंडर देना है ये जो है पेटिशनर एमजेसी का, वो इवेट कर रहा है, उसमें तमाम डिटेल दिए हैं और लास्ट डेट में 12/10/2022 को इनको रिज्वाइंडर देना था। रिज्वाइंडर वेट कर रहे हैं, वो इशू नहीं था, इसलिए मैं जवाब उसका नहीं दिया। अगर हम चाहेंगे तो उसका पूरा जवाब देंगे हमको। नहीं, हमने हमको आप एक ही इशू का जवाब दीजिए, आपके पास 42 सेल डीड एग्जीक्यूट कराने का पैसा कहां से आया? आप क्या काम करते हैं? आप इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं? ये सारी बात हमको दीजिए। ठीक है, इसको 2 हफ्ते के बाद रख दिया जाए। 2 हफ्ते बाद हर्ड द पार्टीज, द लर्नर सीनियर काउंसिल प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 4 weeks time to file a count affidavit bringing on record all the sale deeds
विच हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन हिज ऑल द 42 सेल डीड्स विच ही हैज गॉट एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर कॉमा सोर्स ऑफ द फंड फॉर परचेज ऑफ लैंड इन व्यू ऑफ एनेक्सर सी सीरीज इन व्यू ऑफ एनेक्सर सी सीरीज एंड द इनकम टैक्स रिटर्न्स इफ एनी filed by him, the petitioner. List this case after 4 weeks.